फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आस्था कंप्यूटर फाउंडेशन में। फ्रेंड्स, हम आज आपको बताएंगे कि नोट पैड क्या है और नोट पैड के बारे में इसकी सारी फुल डिटेल के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले नोट पैड आपको ओपन करने के लिए कीबोर्ड से अगर आपको ओपन करना है तो विंडो के साथ आर की प्रेस करिए, रन कमांड आपकी ओपन हो जाएगी और इसमें आपको बेसिक सिंपली लिखना है नोट पैड। नोट पैड लिख के आपको एंटर कर देना है, आपका नोट पैड ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसको मैक्सिमाइज करने के लिए आप लोगों को आल्ट स्पेस एक्स प्रेस करना है, यानी आल्ट और स्पेस के साथ आपको प्रेस करना है एक्स, तो आपका नोट पैड मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब नोट पैड मैक्सिमाइज होने के बाद इसमें फाइव मीनूज होते हैं, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू एंड हेल्प। तो फाइल में फ्रेंड्स कौन सी कमांडें हैं, सिंपली वही कमांडें आपकी फाइल में हैं, यानी न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट एंड एग्जिट। तो न्यू से नया पेज हम कर सकते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट ला सकते हैं। ओपन से क्या होता है, ओल्ड फाइलों को हम ओपन करके देख सकते हैं। सेव से हम कोई भी फाइल सेव कर सकते हैं, सेव एज से उसी फाइल को हम किसी और फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। पेज सेटअप से हम लोग पेज सेट करते हैं, पेज सेटअप में आपके ओरिएंटेशन में दो साइजें होती हैं, प्रोट्रेट एंड लैंडस्केप। प्रोट्रेट में हमारा पेज जो वर्टिकल होता है और लैंडस्केप में हम लोग उसी पेज को हॉरिजॉन्टल में प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह आप पेज सेट कर सकते हैं, बाकी आप मार्जिन वगैरह अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, पेपर के हिसाब से। ओके करेंगे तो आपका पेज उसी तरह हो जाएगा जैसा आप वहाँ लगाएंगे। प्रिंट करने के लिए आप लोग प्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं या कंट्रोल के साथ पी भी कर सकते हैं। एग्जिट से क्या होता है, नोट पैड से हम बाहर यानी क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं एडिट मेनू में, अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट। तो अंडू से क्या होता है, जैसे हम कोई भी टेक्स्ट यहाँ टाइप करते हैं, मान लीजिए हमने इसे टाइप कर दिया और इसको हमने सेलेक्ट करके डिलीट की से इसको मिटा दिया, उसके बाद एग्जैक्ट दोबारा लाना है तो हमें क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ जेड करेंगे तो आपका जो भी डिलीट हुआ है वो वापस आ जाएगा। ये होता है अंडू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे कमांड है हमारी कॉप, कट। कट से क्या होगा, जो चीज़ आपका सिलेक्ट है, कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट अगर करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ही उसे हम कट कर सकते हैं। तो कट करने के लिए आप लोग कट पे क्लिक करिए या कंट्रोल के साथ एक्स भी कर सकते हैं। तो कट करना हो तो यहाँ क्लिक करिए या कंट्रोल एक्स, तो मान लीजिए हम माउस से कट कर सकते हैं और लाना हो तो हम अंडू से फिर उसको वापस ला सकते हैं। इसी तरह कॉपी करना है तो पहले सेलेक्ट करिए टेक्स्ट को, कंट्रोल सी से भी कॉपी कर सकते हैं या एडिट में जाके कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैंने कॉपी कर लिया, यानी कंट्रोल के साथ सी कर दिया, टेक्स्ट मेरा कॉपी हो गया है। अब इसको पेस्ट करने के लिए आपको कंट्रोल भी करना पड़ेगा, तो जितनी बार हम कंट्रोल भी प्रेस करेंगे उतनी बार हमारा टेक्स्ट पेस्ट होता रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपका है डिलीट। डिलीट से क्या होगा, जितना भी टेक्स्ट है आपका सिलेक्ट है वो सारा टेक्स्ट आपका डिलीट की से मिटा सकते हैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करके। आगे नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट आर्ट, टाइम एंड डेट, इनसे क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले फाइंड के ओर चलते हैं। तो फाइंड से क्या होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हम टाइप करते हैं ऑलरेडी, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ भी यहाँ पे टाइप कर दिया और इसमें हमको किसी भी वर्ड को या कैरेक्टर्स को ढूंढना है तो हम फाइंड का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने ढूंढना है कि इसमें हमने के कितनी बार टाइप किया या कहाँ कहाँ टाइप किया, तो इसके लिए सिंपली आपको कंट्रोल एफ कर देना है। जो भी करेक्टर्स या वर्ड को ढूंढना है वो फाइंड वर्ड में आपको टाइप करना है। जैसे हमें के ढूंढना है तो हम के यहाँ टाइप करेंगे और फाइंडनेस करते जाएंगे, आप पे क्लिक कर देना है आप लोगों को पहले, उसके बाद फाइंडनेस करेंगे तो ये आपका डाउन से अप की ओर जाएगा। अगर हम डाउन करेंगे तो अप से डाउन की ओर फाइंडनेस होगा। तो फाइंड में लिखने के बाद चाहे यहाँ से आप फाइंडनेस करें तब भी फाइंडनेस होता रहेगा, या फिर इसको हम हटा देते हैं या कैंसिल कर देते हैं तो F3 से भी हम लोग फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं। लेकिन F3 से आप लोग तभी फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं जब आप फाइंड में पहले लिखेंगे। जब तक आप फाइंड में लिखेंगे नहीं तब तक आप फाइंड F3 से फाइंड नेक्स्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं रिप्लेस, जिसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+H। तो फ्रेंड्स Ctrl+H करिए या आप लोग रिप्लेस पे क्लिक कर सकते हैं। तो रिप्लेस पे हमने क्लिक किया, रिप्लेस से क्या होता है, वर्ड को हम लोग रिप्लेस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को फाइंड वर्ड में वो वर्ड डालना है जो आप उसे रिप्लेस करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको इस मैटर से जे हटाना है, जे जहां हमने टाइप किया है, तो हम फाइंड व्हाट में लिखेंगे जे और रिप्लेस विद में हमको जे की जगह मान लीजिए डब्लू करना है, तो हम रिप्लेस विद में लिखते हैं डब्लू। इसके बाद रिप्लेस करेंगे तो एक एक हमारा वर्ड होगा
रिप्लेस, अगर हम रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जहाँ पे हमारा जे था वहाँ पे हर जे देखिए डब्लू हो जाएगा आपका। इस तरह आप लोग वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, गो टू। गो टू का काम क्या होता है कि जैसे कर्सर मेरा मान लीजिए फर्स्ट लाइन पे है इस समय और हमें जाना है फोर्थ लाइन में, तो फोर्थ लाइन में जाने के लिए कंट्रोल जी करिए या गो टू पे क्लिक करिए। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है देखिए गो टू लाइन, यानी किस लाइन नंबर पे आप जाना चाहते हैं। तो जैसे मुझे फोर नंबर लाइन पे जाना है तो यहाँ पे हम फोर टाइप करेंगे और गो टू पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा फोर नंबर पे कर्सर पहुँच जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल से क्या होता है, सेलेक्ट ऑल से पूरा डॉक्यूमेंट एक ही बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। जितनी शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ए। इसके बाद अगले स्टेप पे पहुँचते हैं। अगला स्टेप है हमारा टाइम एंड डेट, जिसकी शॉर्टकट है F5। तो ये टेक्स्ट हम सिंपली सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं और डेट एंड टाइम का प्रयोग वहाँ करते हैं। जैसे आप लोग टाइपिंग करना स्टार्ट करें उसके पहले आपको डेट टाइम डालना हो तो F5 की प्रेस करेंगे या वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका टाइम एंड डेट पड़ जाएगा। इसके बाद आप कुछ भी डॉक्यूमेंट अपना टाइप कर सकते हैं डेट टाइम डालने के बाद। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और है वर्ड रैप। वर्ड रैप क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका वर्ड रैप पे देखिए टिक नहीं है, जैसे हम कुछ भी यहाँ पे टाइप करेंगे इस वक्त नोट पैड में हम कोई भी मैटर या कुछ भी लेटर टाइप करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे टाइप किया कुछ भी एनी मैटर्स, ये हम टाइप करते हैं ऐसे, तो देखिए मेरा जो भी टेक्स्ट है वो रैप हो रहा है, रैपिंग, यानी ये न्यू लाइन पे देखिए ऑटोमेटिक न्यू लाइन पे कर्सर मेरा नहीं आ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली जब भी लाइन हमारी एंड तक पहुँचे तो मेरा कर्सर सेकेंड लाइन पे आ जाए, न्यू लाइन पे। तो ये ऑलरेडी देखिए मेरा मैटर जो भी वो साइड में जा रहा है। तो ये कैसे हम सही करेंगे, तो फ्रेंड्स इसके लिए आप लोगों को फॉर्मेट में वर्ड रैप पे टिक कर देना है, यानी वर्ड रैप पे जब आपका टिक होगा तभी आप लोग न्यू लाइन पे कर्सर को ला सकते हैं ऑटोमेटिक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फॉन्ट। फॉन्ट से क्या होता है, कोई भी आप फॉन्ट से कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बोल्ड अटैलिक कर सकते हैं, इसको मोटा कर सकते हैं, तिरछा कर सकते हैं, साइज घटा बढ़ा सकते हैं जितनी चाहें आप लोग। मिनिमम 8 है और मैक्सिमम 72, यानी 8 से 72 के अंदर आप कोई भी साइज अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं जैसा आप लोगों को पसंद हो। ओके करेंगे तो आपका मैटर उसी लैंग्वेज में हो जाएगा, उसी साइज में हो जाएगा जैसा आपने किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं व्यू। व्यू में क्या है, स्टेटस बार। तो स्टेटस बार फ्रेंड्स तभी शो करेगा जब आप फॉर्मेट से वर्ड रैप से टिक हटा देंगे। जब हम यहाँ से टिक हटा देते हैं तो ये स्टेटस बार हमारा ऑटोमेटिकली देखे इस पर हाईलाइट आ जाती है और उसको हम टिक करके नीचे ये स्टेटस बार ला सकते हैं जिसमें लिखा होता है LN1 और COL1, यानी किस लाइन नंबर पे हम टाइप कर रहे हैं और किस लाइन नंबर पे कितने वर्ड हैं। तो ये इस समय हमारा जो कर्सर यहाँ पे हमको लास्ट में जाना है लाइन के एंड में, तो आप लोगों को प्रेस करना है कंट्रोल के साथ एंड की। तो कंट्रोल साथ एंड की जब प्रेस करेंगे तो लास्ट में हमारा कर्सर ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा। अब इस लाइन में हम लाइन नंबर 3 में इस समय चल रहे हैं क्योंकि बीच में हमारी एक लाइन छूटी हुई है। तो लाइन नंबर 3 में कितने वर्ड हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग टाइप करेंगे वहाँ आपको दिखाता रहेगा कि लाइन नंबर 3 में कितने वर्ड आप टाइप कर रहे हैं, वो चीज़ स्टेटस बार में यहाँ पे आपके शो करेगी। लाइन नंबर 4 में 22 वर्ड या करेक्टर्स लिखे गए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हेल्प। हेल्प से सिंपली कुछ नहीं होता, आप नोट पैड के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि नोट पैड क्या है, उसका इंट्रोड्यूस क्या होगा, इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, उसके बारे में सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन हेल्प के द्वारा आप लोग मिल पा सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट होती है F1 हेल्प की। चाहे तो आप लोग हेल्प पे क्लिक करिए या कीबोर्ड से F1 भी प्रेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये भी हम आपको बताते हैं कि नोटपैड की जो भी फाइलें सेव होती हैं, सेव करने के लिए आपको सिंपली कंट्रोल एस करना है और वो फाइलें सेव होती है .txt फॉर्मेट में, क्योंकि नोटपैड का जो एक्सटेंशन होता है वो .txt होता है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका नोटपैड, तो इसका मैंने बेसिक डिटेल जितना नोटपैड का था हमने आपको बता दिया है। फाइल को आप सेव भी कर सकते हैं और सेव करने के बाद प्रोग्राम को आपको क्लोज करना होगा, तो आप प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए आप चाहें तो यहाँ क्रॉस पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो नोटपैड के आइकन पे राइट क्लिक करके क्लोज कर सकते हैं। आप चाहें तो Alt F4 से क्लोज कर सकते हैं प्रोग्राम को, और आप यदि चाहें तो Alt स्पेस और C से भी प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।